कैसे आप सब और मैं आ गया नई बेहतरीन वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी पर थोड़ा वेट कर रहे थे कि थोड़ा यार चिल सा हो जाए, थोड़ा मतलब शांति सी मिले, थोड़े चल रहे थे बिजी। ठीक है, वीडियो बनाने का मज़ा तभी आता बंदा थोड़ा ना चिल हो, ठीक है, जेन्युइन सा रहती है फिर वीडियो में भी, ठीक है ना। और इतनी लेट भी नहीं हुए तो आज आए काफ़ी सुंदर सी जगह कसौली, ठीक है, चंडीगढ़ के बहुत पास। चंडीगढ़ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया यार अभी से ही, ठीक है, एसी वाला माहौल आ गया, लेकिन यहाँ तो इतना सही वेदर है ना, सच बताऊँ, मतलब आप टी शर्ट वगैरह में और आराम से, ठंडी ठंडी हवा, और रात को तो यहाँ ठंड और हो जाती है, पर अभी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज वो नहीं दिखाऊँगा कि कसौली में क्या क्या खाने की वीडियो होगी, फूड हंट होगा कसौली का, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाएँगे। यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, आते रहते हैं, ठीक है, तो करेंगे एक्सप्लोर, चीज़ें खाएँगे। थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर भी है यार पहाड़ पोड में, आपको पता है लिमिटेड से दुकानें, उन्होंने अपने रेट रखे होते हैं, लेकिन दिखाएंगे क्या है, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मिलते हैं वीडियो में। तो यार गाइज ये है पहली जगह हमारी, ठीक है, काफ़ी इनका सुना भी है, आप YouTube पे वीडियोस भी देख सकते हो। तो कहते हैं बन समोसा मिलता है यहाँ पे, और ये है हमारे अंकल जी, अंकल जी कितनी पुरानी दुकान है ये, 46 ईयर पुरानी दुकान है, काफ़ी पुरानी, ठीक है, और यहाँ पे बन समोसा मिलता है, आपको मेकिंग भी दिखाएंगे और बाद में टेस्टिंग भी दिखाएंगे कैसी है, ठीक है अंकल जी, करो जरा। प्राइस क्या होता है अंकल इनका? 40 ठीक है। ये पहले इसमें हमने चटनी लगाई थी, ठीक है, इसमें हमने मीठी चटनी लगा दी थी। चटनी कौन सी, सौंठ वाली होती है? ये इमली की होती है जी, इसमें मीठा होता है, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ठीक है ना जी, लहसुन और जीरा मिला के बनाते हैं ये समोसा। इसमें लगाया ये, इसमें चने डाल दिए, थोड़ा सा पासरी का चने डाल दिए, और इसको ये यहाँ गर्म कर दिया, तो यार गाइज काफ़ी जेन्युइन रेट, ठीक है, और टेस्टिंग करके बताएंगे, सुना तो बहुत ज़्यादा है अंकल आपके बारे में, वीडियोस वगैरह देख के आए, और हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है, अच्छा अच्छा, हम भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, खा के बताओ आप। हाँ जी देखो जी, मेकिंग पता तो चभी चलेगा ना जो खाएंगे और इसको। हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये सामने, ये देख सकते हो यार यहाँ पे मतलब काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आ रखे हैं, और स्टार्टिंग ही मतलब इतनी अच्छी उससे हो रही है, तो मेरे को लग रहा है ब्लॉग काफ़ी अच्छा जाएगा आज। हम पहले सोच रहे थे कि फेमस जगह लास्ट में दिखाएं, लेकिन शॉप एंट्री में ही मिल गई, ठीक है, और आप शॉप का नाम क्या अंकल जी? नरेंद्र स्वीट हाउस। नरेंद्र स्वीट हाउस, लेकिन टन्नू के नाम से ज़्यादा फेमस है, आप नरेंद्र से पूछेंगे ना जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं, टन्नू पूछोगे आप 10 किलोमीटर भी आपको बता देंगे, ठीक है, आप वैसे जाओ उस जगह से सिचुएशन। लो जी अब करते हैं टेस्ट, इधर ही करते हैं, लाइट अच्छी आएगी, एक वहीं रख दो अंकल पहले, अच्छा। देख लो जी इसके अंदर चटनी डाली है अंकल जी ने, मिट्टी और हरी, ठीक है, और बीच में समोसा मैश करके उसके ऊपर छोड़ दें, हाँ जी, और बाहर ऊपर से फ्राई कर दें, ऐसी चीज़ पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट सा, जब बाइट वाली अंदर क्रंची सा, आपको पता समोसे का टेक्सचर, अंकल जी को दिखाओ अंकल जी, काफ़ी टेस्टी है। इसमें आपको एक बर्गर और मिल जाएगा बंद के अंदर, गुलाब जामुन, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, अच्छा सोचा भी नहीं होगा वैसे, अच्छा वो होता मीठा बर्गर, उसमें हम समोसे की जगह गुलाब जामुन डाल के देते हैं, अच्छा वो आपने जगह खा लो ना तो उसका टेस्ट जो है होता है वो जैसे मालपुआ खा लिया या कट पीस कह देते हैं। तो यार ठीक है आपने सुन लिया होगा, वो एक डेजर्ट हमारा, वो हम खाएंगे जाते हुए, बाकी चीज़ें खाने के बाद वो ट्राई करके जरूर जाएंगे। हाँ वो जरूर, जो बर्गर कसौली आते हैं ना जी, वो यहाँ के जिनको इसके बारे में पता होता है वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करते हैं, वो ये सब हटके ही है सब एक किस्म से, यार ये खाना बहुत पसंद, ये मस्ट ट्राई है यार, ये जरूर ट्राई करना, ठीक है सच में। अभी मैं करता हूँ फिनिश, कोई और चीज़ें ट्राई करते हैं, और जाते जाते इनका डेजर्ट जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है अंकल जी, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए। आजकल थोड़ा कोरोना की वजह से ना जी थोड़ा सा,
तो यार बन समोसा तो खा लिया था, ठीक है, वो काफ़ी टेस्टी था। और मैं सच में ऐसे ही नहीं बोल रहा कि वीडियो के लिए, वो सच में यार काफ़ी यूनिक सी चीज़, उसकी चटनियों का फ्लेवर खट्टा मीठा अंदर चोर अंदर क्रंची, और उन्होंने छोले की सब्जी डाली हुई थी वो काफ़ी सही थी, ठीक है। और हेरिटेज मार्केट में ना पहले से ज़्यादा, जिस तरह पहले नॉर्मली यहाँ भीड़ रहती है, टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी ज़्यादा, पर आजकल के टाइम में थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा कम है इस तरह कोरोना के टाइम पे, ठीक। तो आज हमने दूसरे स्पॉट लिया है, देखो ये एकलव्य फूड कॉर्नर, हम यहाँ पे मोमोज ट्राई करेंगे अब, ठीक है। वेज ही खा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, वेज मोमोज खाएंगे और देखते हैं जी कैसा टेस्ट होगा। तो गाइज आ गया एकलव्य फूड कॉर्नर के मोमोज, ठीक है, ट्राई करते हैं। ये मोमोज का रेट बाद में बताता हूँ खाने के बाद, ठीक है। लुक वाइज तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख लो शेप कितनी अच्छी प्रॉपर, ठीक है। चटनियाँ तीन दी हैं, अब टेस्ट करके देखते हैं। हेरिटेज मार्केट आओगे ना, आंटी को दिखा दो एक बार, इनके पास ज़रूर आना। आंटी सच में बहुत स्वाद है मोमोज, हम आपके नॉन वेज भी ट्राई करते पर नवरात्रि इस करके हम, हाँ आए सच में यार काफ़ी टेस्टी हैं। दुकान का नाम देख लो यार, एकलव्य फूड कॉर्नर, ठीक है। फीलिंग देख लो मोमोज की, शॉप नंबर 12 काफ़ी टेस्टी है यार, सॉफ्ट एकदम। और शॉप नंबर 12 न्यू मार्केट, ठीक है, हेरिटेज वाली जो मेन मार्केट है ना, नीचे नीचे आते रहोगे ना तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे चेयर्स वगैरह, काफ़ी टेस्टी है काफ़ी। फूड हंट यहाँ का मज़ा आ रहा है। दो चीज़ें खाई हैं पहले, कभी कभार मैं खुद बोल रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने चीज़ खा लेते हैं फिर वीडियो में बोलना पड़ता है बंद उसके सामने भी, दुकानदार के सामने कि हाँ जी अच्छा बना है, और कभी कभार होता नहीं है। पर जो अभी तो दो चीज़ें खाई हैं ना यार, टेस्टी इसको प्लान बनाना, जल्दी बनाऊँ अभी के थोड़े थोड़े दिनों में, क्योंकि जिस हिसाब का अब जिस तरह चल रहा है केसेस वगैरह आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, ऐसे रात का तो लग गया, पूरे दिन का भी ना लग जाए यार। ऐसे से व्यू में आपके तो कुछ भी मिल जाए, सब कुछ ही अच्छा लगेगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारा मेन फोकस है फूड हंट, कोई अगली जगह दिखाएंगे लबते हैं कुछ डिफरेंट। ऐसे तो सब कुछ ही है, बहुत चीज़ें हैं जो कॉमन है, पर हम सोच रहे हैं कुछ, समझ रहे हो, ऐसे तो मोमोज भी कॉमन होते हैं, पर अब खाना दिखाना तो है ही है ना कि भाई इस मार्केट में मिलेगा क्या हेरिटेज मार्केट में, ठीक है। अगर कुछ अच्छा व्यू होगा देखते हैं, अभी हम घूमते हैं। तो यार मोमोज वगैरह खा के आए हैं और कुछ यूनिक मिला नहीं, ठीक है, जाते हुए भी यही खा रहे हैं अंकल जी का, क्योंकि पहले वीडियो में बोला था, क्या नाम अंकल जी इसका, चीज़ का, इसका बोलते क्या है, इसको हम बोल देते हैं जी बंद गुलाब जामुन, ठीक है,
बर्गर गुलाब जामुन वाला बर्गर, हाँ आपने वो देख लिया है चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन, इसका मीठा होगा टेस्ट, ठीक है ये खाते हैं, आगे देखते हैं और क्या खाएंगे। ठीक तो ठीक है यार, ये इनका पूरा मतलब मीठा सा टेक्सचर रहेगा, देखते हैं थोड़ा दूर रखा करिए, जूम पे फोकस ही मार, जूम पे रखते फोकस, ठीक है तो करते हैं इसे ट्राई। ये परफेक्ट डेजर्ट है, इसके बाद मन कर नहीं रहा कि कुछ खाएं, इसके बाद मन कर रहा कि हाँ बस फुल ना चलो घर। अब कितने देर नहीं चाहे, दो और दो, ये तो मेरे को बंद समोसे से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल है, कुछ शोशा वाला नहीं, गुलाब जामुन डाल के मैश करके गरम गरम। दो ही पीस खाऊंगा, बाकी दो कैमरामैन खाएगी भाई हमारी। तो यार गाइस आ गए हैं वो कसौली से जाके, ठीक है और बड़े ही ज़्यादा थक गए हैं यार, ट्रैवलिंग का ही ज़्यादा थोड़ा बहुत है थकान थी, ठीक है और गर्मी भी हो गई है, वहाँ तो जा काफ़ी ठंडक थी, यहाँ पे आके तो बुरा ही हाल है सच में, वही चिपचिपाट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, नींबू पानी पी रहे हैं। आपको भी ये कहूँगा हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, नींबू पानी पीते रहो, ठीक है। ये वीडियो मैं बस यही दिखा, हमें वहाँ पे स्पेशल था जो मेन, तो उसके लिए गए थे बंद समोसे के लिए, ठीक है वो हमें मिल गया, बाकी व्यू ही था, ठंडक थी, आपको जाना चाहिए। और मोमोज वगैरह की और भी दुकानें पर जो जहाँ से मैंने खाए हैं ना, वहाँ से आप एक बार ट्राई करना, सच में आप कहोगे कि हाँ टेस्टी थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छी आने वाली है, ठीक है गर्मी को भगाने वाली ऐसी वीडियो होगी वो फन, ठीक है उसको वेट करना, सब्सक्राइब करो चैनल, कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को, ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ।